हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं जर्दा बनाने जा रही हूँ, सोचा इसकी रेसिपी आप लोगों से शेयर कर दूँ। फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी जर्दा की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, जर्दा बनाना शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने चावल लिया है बासमती राइस, इसको मैंने आधा घंटा पहले अच्छे से धो के पानी में सोक करने के लिए रख दिया था। ये मेरा 250 ग्राम बासमती राइस है, आप देख सकते हैं। मैंने आधा घंटा पहले इसको मैंने अच्छे से वॉश करके सोक करने के लिए छोड़ दिया था। अब मैं इसको बॉयल करूँगी। यहाँ मैंने गैस के ऊपर पानी चढ़ा दिया है, पानी मेरा गर्म हो रहा है और सारा चावल मैं इसमें ऐड कर दूँगी और उसको मैं 80% तक मैं इसको पकाऊंगी। सारा चावल मैंने इसमें डाल दिया है, इसको थोड़ा सा मैं चला देती हूँ। अब इसको मैं थोड़ा सा इसमें खड़ा मसाला ऐड कर रही हूँ। ये मेरे पास है 2 छोटी इलायची, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा और ये 4 लौंग और 1 तेज़पत्ता। इसको मैं अच्छी तरह से मिला लेती हूँ और इसको मैं 80% चावल को मैं पकाऊंगी, फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, मेरा चावल लगभग बन चुका है। मैं अपना गैस ऑफ कर देती हूँ, आपको मैं दिखाती हूँ किस तरह से चावल को पकाना है। देखो 80% चावल मेरा गल चुका है, बाकी जो हम लोग इसमें चाशनी जो बनाएंगे चीनी, उसमें हम लोग बाकी चावल गलेगा हमारा। इसको मैं सारा पानी में इसका छान के निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने कढ़ाई लिया है, कढ़ाई पे मैं अब थोड़ा सा देसी घी ऐड कर रही हूँ, ये ड्राई फ्रूट्स इसमें फ्राई करना है। इसमें 2 टेबल स्पून मैंने इसमें घी ऐड किया और इसको मेल्ट होने देती हूँ घी को। घी हमारा लगभग मेल्ट हो गया है। मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स है, ये मैंने किशमिश लिया है 10 से 12, मेरे पास बादाम है और थोड़ा सा मैं नारियल थोड़ा सा कद्दूकस कर ली। तो पहले मैं अपना ये बादाम जो है इसको मैं फ्राई कर लेती हूँ। बादाम मेरा फ्राई हो चुका है, अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ किशमिश। एकदम धीमी आँच में इसको फ्राई करना है, तो मेरा किशमिश जल सकता है। अब किशमिश भी हमारा फ्राई हो सकता है, फूल लिए सारा और इसको भी मैं निकाल लेती हूँ। अब मैं इसी घी सब में मैं इसमें नारियल भी फ्राई कर लेती हूँ। ये सभी मेरा फ्राई हो चुका है नारियल भी, अब इसको भी मैं निकाल लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारा ड्राई फ्रूट फ्राई कर लिया है, अब मैं इसमें थोड़ा सा घी और ऐड कर रही हूँ। ये जो मेरे पास चावल है जो मैंने बॉईल किया है अभी, सारा चावल मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। गैस में लो फ्लेम में है अभी, अब मैं इसको अच्छी तरह से घी में ऊपर नीचे मिक्स कर देती हूँ ताकि अच्छी तरह से इसमें घी जाए। आप देख सकते हैं घी अच्छे से इसे कोट हो चुका है। अब मैं इसे इसमें ऐड कर रही हूँ चीनी। ये मेरा 150 ग्राम चीनी है, मैं 150 ग्राम चीनी ऐड कर रही हूँ। मीठा अपने अकॉर्ड के हिसाब, टेस्ट का अकॉर्डिंग है, कोई मीठा ज़्यादा खाता है, कोई कम खाता है। अब इसको मैं अच्छी तरह से चीनी को मिक्स करूँगी। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें मैं सारा चीनी मिक्स कर रही हूँ अभी और इसमें देखिए कितना पानी छूटा है इससे चीनी से। अब इसकी मैं आज जो है मैं इसको हाई फ्लेम में कर दी हूँ गैस। अब अच्छी तरह से इसको चाशनी में इसको मैं पकाऊँगी।
5 से 7 मिनट लगेगा हम लोग को इसको पकाते हुए। देखिए फ्रेंड्स, मुझे 3 से 4 मिनट होगा मुझे पकाते हुए हाई फ्लेम में। आप देख सकते हैं अभी भी इसमें चीनी जो अपना पानी छोड़ा है, अभी भी इसमें पानी है चीनी वाला। थोड़ा सा मुझे और इसको फ्राई करना है। ये मैंने फूड कलर लिया है, येलो फूड कलर है मेरे पास। मैं इसमें दूध में थोड़ा मिला के इसमें ऐड कर दूँ, और जो बाकी मेरे ड्राई फ्रूट जो मैंने फ्राई करके रखा था इसमें भी ऐड कर दी हूँ सब में सारा। और इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ, और गैस में अपना लो फ्लेम में कर दूँ। फ्रेंड्स, मेरे पास ये क्योरा वाटर है, इसमें हाफ कप इसमें क्योरा वाटर ऐड कर रही हूँ, और इसको मैं इसे ढक देती हूँ। 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसमें लो फ्लेम में इसको मैं ढक के छोड़ देता हूँ, ताकि फ्लेवर अपना ये जो जर्दा है अपना आप अब्जर्व कर ले। देखिए फ्रेंड, 2 से 3 मिनट हो गए। अब मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देती हूँ, अपना गैस ऑफ कर देती हूँ। ये बहुत इजी रेसिपी है फ्रेंड्स, जरूर ट्राई कीजिएगा एक बार। जब भी मीठा खाने का मन हो आप झट से ये बना सकते हैं। अब इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए ढक के रेस्ट में रखूँ, फिर मैं आपको मैं डिसआउट करके दिखाती हूँ। 3 से 4 मिनट हो गए रेस्ट में, अब मैं आपको डिसआउट करके दिखाती हूँ। देख सकते कितना खिला खिला मेरा जल्दा रेडी हुआ है। अब एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। अब बहुत जल्दी बन भी जाता है। फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी जर्दा की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर मेरे चैनल को अब तक अपनाए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। देखिए फ्रेंड्स, मेरा जर्दा बिल्कुल रेडी है। तो दुआओं में याद रखिएगा। अभी जा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।